वेस्टर्न कल्चर आया, इसने हमारे बच्चों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिन बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे रात भर जागते रहते हैं, सुबह सोते रहते हैं। यदि वो बच्चे बाल संस्कार केंद्रों में आए, शिविरों में आए, तो उन बच्चों को इन चीज़ों की एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि इनसे हमारा विनाश होता है। संत न गलत है, न शास्त्र गलत हुआ है, और सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है, गीता ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है कि जिस पूरी वर्ल्ड में यही पीस ला सकता है। इसके बगैर कोई संस्कृति नहीं। यदि आप अपना भला चाहते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, तो आप ये करें कि इन बच्चों को आप बाल संस्कार केंद्र में भेजें, आप इन बच्चों को शिविरों में भेजें, और ख़ासकर जो यहाँ अहमदाबाद हमारा शिविर होता है मैन, इसमें जो बच्चा आया वो बच्चा तो भाग्यशाली होगा, पेरेंट्स भाग्यशाली होंगे। दीक्षा लेने के बाद जब मैं यहाँ पर आई थी बापूजी के पास, तो सबसे पहले मुझे ना ऐसा लगा कि हम लोगों को बापूजी से इतना अच्छा ज्ञान मिला है, तो इस ज्ञान को जब हमने बाल संस्कार के बारे में सुना तो हमें लगा कि हमें बाल संस्कार केंद्र शुरू करना चाहिए। तो हमने अपने घर पर सबसे पहले केंद्र शुरू किया। अच्छी अच्छी कहानियाँ जो जीवन में हमें प्रेरणा देती हैं, ये कहानी हमने बच्चों को बतानी शुरू की। तो इस तरह से बच्चों को सारी बातें इतनी अच्छी लगती थी और बच्चे बहुत खुश होकर रविवार का इंतजार करते थे कि हाँ 11:30 बजे दीदी के आज जाना है और केंद्र में जाना है। वहाँ पर सत्संग में हमने सुना था कि जो एक चैलेंज होता है ना कि आप ये करो, नहीं हुआ तो फिर देखो मुझसे आके बात करो। तो हम भी बच्चों को बताते थे कि देखो आपके भी इतने परसेंटेज है ना, 50 है ना, आपको 90% से ज़्यादा चाहिए, हाँ हाँ हमें चाहिए चाहिए, बच्चे बताते थे। और आप यकीन मानिए कि सचमुच बच्चों ने प्रयोग शुरू कर दिया और उन्हें सफलता भी मिली। कहाँ वो 50 और 60% लेने वाले बच्चे, प्रतिशत लेने वाले, उनके 90% है। वो आकर इतने खुशी से हमें बताते थे कि देखिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ जब हम आए तो हम जैसे ही अहमदाबाद स्टेशन पर उतरते हैं, तुरंत आश्रम की बसेस आ जाती हैं, भाइयों की सुविधाएं, बच्चों का सामान लेना, उनको चढ़ाना, आश्रम के गेट तक लाना, और फिर यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ पहुँचते सारी व्यवस्था होती है, हर चीज़ इतनी विधिवत और इतनी अरेंज करके रखी होती है कि उसकी तारीफ हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। हमारी सिर्फ एक ही दिली बोलते हैं ख्वाहिश, एक तमन्ना है कि हमारे बापूजी का जो सपना है कि हर घर, हर साधक का घर मेरा बाल संस्कार केंद्र होना चाहिए।